मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजे भी सामने आ चुके हैं, जिसमें भाजपा की सरकार बन गई है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके कयास पूरे प्रदेश में लग रहे हैं और पत्रकारों में भी ऐसी चर्चा है। इसी बीच हमारे साथ छतरपुर के दो युवा पत्रकार मौजूद हैं जो फील्ड पर वर्क करते हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके की चर्चा सामने आती है और इनके भी क्या मायने नज़र आते हैं। जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर तमाम कयास लग रहे हैं, चार पांच चेहरे भाजपा के पास बड़े ऐसे हैं जिसको मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में कसमकस लगातार जारी है। आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये तो पार्टी का निर्णय है कि वो किसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये चुनाव लड़ा गया, इसमें CM फेस किसी को नहीं रखा गया था और पूरा केंद्रीय नेतृत्व भी उसमें लगा था साथ में। लेकिन जो प्रचंड जीत मध्य प्रदेश में भाजपा की हुई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान निश्चित तौर पर शिवराज सिंह का है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का है। VD शर्मा एक युवा लॉबी को लॉबिंग करते हैं और पूरे प्रदेश में उनकी बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। तो सबसे पहला तो हक शिवराज सिंह का जाता है, भले वो चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन मेहनत उन्हीं की थी, क्योंकि उनने जो ज़बरदस्त कैंपेनिंग लास्ट के 5 दिनों में की है, लगभग बताते हैं 376 सभाएं उन्होंने की हैं और दौड़ दौड़ के की हैं, और जो लास्ट के 5 दिनों में उनने झोली फैला के अपनी लाडली बहनाओं से जो वोट की अपील की, उसका ये प्रभाव है कि पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से आज भाजपा की सरकार आई है। और तो हमें लगता है कि जो लाडली बहना योजना का प्लान था, ये भी शिवराज का ही प्लान था। बिल्कुल बिल्कुल प्लान था, और उनकी लोकप्रियता को आप कम नहीं आंक सकते। गांव-गांव में महिलाएं हों, बच्चे हों, मामा के नाम से पूरे प्रदेश में वो जाने जाते हैं, बहना उन्हें अपना भाई मानती हैं। निश्चित तौर पर शिवराज सिंह की अथक मेहनत थी कि जो आज मध्य प्रदेश में 164 का आंकड़ा दिख रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब भाजपा ने केंद्र नेतृत्व वाले व्यक्तियों को यहाँ पे चुनावी मैदान में उतार दिया, नरेंद्र सिंह तोमर उनके जूनियर होके काम तो नहीं कर सकते, प्रहलाद पटेल की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के नीचे काम नहीं कर सकते, कैलाश विजयवर्गीय वो भी उनके अधीन रहकर काम नहीं कर सकते, तो इन्हें भाजपा कैसे सेट कर पाएगी फिर? अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि इसमें कोई निश्चित नहीं कि वो एक ऐसा नाम खोज के ले आए जिसका नाम ही लोगों ने सुना ना हो और उसको CM प्रोजेक्ट कर दें। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में DC है तो ऐसे एक DC का पद हो जाए या फिर प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया जाए, तो शायद ये सब सेट हो सकते हैं। ऐसी चर्चा आम जनता में भी चल रही है, यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बनते हैं तो हो सकता है कि DC भी बनाए जाएं, कुछ 2 CM भी प्रोजेक्ट किए जाएं, हो सकता है इस तरीके से पार्टी एडजस्ट करे। अब ये काम तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का है, वही जाने। अच्छा, कुछ ऐसी चर्चा भी लग रही है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, BD शर्मा की जगह कोई और बन सकता है जो अभी हाल में जीत कर आए। बिल्कुल, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यदि प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर इससे बड़ा ही पद उन्हें दिया जाएगा। हो सकता है केंद्र में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बना दें अगले चुनाव को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। तो आपको घूम फिर के क्या लगता है, शिवराज ही मुख्यमंत्री ठीक है? लोकप्रियता के हिसाब से तो शिवराज से ज़्यादा लोकप्रिय कोई अभी नहीं है। गंभीरता के हिसाब से गंभीर भी कह सकते हैं आप। नहीं, लेकिन चुनाव के समय तो उन्हें ये कहते थे कि ये तो कुछ भी घोषणा कर देते हैं और सब एक हंसी के एंटरटेनमेंट टाइप का ले लेते थे उनको। तो ये तो निश्चित तौर पे है, उनकी जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं और आज जो डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिल रहे हैं, गरीब जनता को मिल रहे हैं, ये उसी का परिणाम है जो आज रिजल्ट 164 का आंकड़ा दिख रहा है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, तो इस बात से तो हम भी सहमत हैं कि शिवराज की वजह से ही आज स्ट्रॉन्ग भाजपा मध्य प्रदेश में दिख रही है। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। भूपेंद्र भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी दीपू भाई ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ही फेस हो सकते हैं उनके अनुसार, तो ये जो बड़े नेता हैं जो जीत गए हैं केंद्रीय नेतृत्व वाले व्यक्ति, इनको कैसे सेट करेगी भाजपा? भाजपा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है सेट करना। भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी है, उसका संगठन काम करता है। अगर संगठन जिसे जहाँ भेजेगा वो वहाँ काम करेगा, यहाँ पे एकात्मवाद की बात नहीं होती, यहाँ संगठन काम करता है भाजपा में। तो सेट करने वाला कोई इशू नहीं है, पहले भी ये लोग विधायक रहे हैं, शिवराज सिंह के अंडर में भी काम किया है,
तो कोई दिक्कत वाली बात वैसी नहीं है, स्वीकारोक्ति कर देंगे वो अपना। लेकिन हमें लगता है कि पहले बात कुछ और थी, अब केंद्र में रहकर केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय खूब आगे बढ़ चुके हैं, अब फिर अगर एक विधायक बनकर रहेंगे तो कैसे सेट होंगे? मैंने पहले ही बताया कि संगठन यदि चाहेगा तो वो जहाँ चाहेगा उन्हें जाना पड़ेगा, उनकी मर्जी नहीं चलेगी, ये भाजपा है। अगर वो चुनाव हार जाते तब भी उन्हें जहाँ संगठन सेट करता वो वहाँ सेट होते। तो भाजपा में अभी तक हमने जो देखा ऐसा कुछ नहीं चलता है कि मैं बड़ा नेता हूँ तो मुझे यहाँ पे बैठाइए, मुझे ये चाहिए। संगठन का ही है वहाँ रोल, इसमें किसी की नहीं चलती। खैर, भाजपा में ये तो है, जो संगठन तय करता है वो सबको स्वीकार भी होता है। जैसे कि चर्चा है कि बीडी शर्मा भी सीएम बन सकते हैं, ऐसे कयास लग रहे हों। दिल्ली में बड़ी बैठकें भी चल रही हैं, 2-3 दिन चलने वाली हैं, तो क्या लगता है बीडी शर्मा को लेकर? अब बीडी शर्मा निश्चित तौर पे एक अच्छे नेता हैं, उनका संगठन में और ख़ास तौर पे युवा वर्ग में अच्छी पकड़ है, क्योंकि वो शुरू से छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, युवा मोर्चा से उनका काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। तो जो उनके साथ के नेता हैं वो आज बड़े बड़े पदों पर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, और बीडी शर्मा खुद इतने कार्यकुशलता उनमें है कि वो परफेक्ट मटेरियल है एक सीएम के। 2018 में जब भाजपा की सरकार गिरी थी और उसके बाद जिस तरह से भाजपा 2019-20 में आई है, तो उसका पूरा श्रेय बीडी शर्मा को जाता है, क्योंकि ग्वालियर से सिंधिया जैसे नेता को तोड़ना और पार्टी में शामिल कराना और फिर चुनाव जीतना और फिर सरकार बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसका श्रेय जाता है, और इस बार भी उनकी मेहनत, शिवराज जी की मेहनत और पार्टी संगठन की मेहनत काम कर गई, और जो नतीजा है कि आज 164 सीटें पर भाजपा विजयी रही। चलिए, तो इस तरीके से दोनों युवा पत्रकारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और यही लगा है कि बीडी शर्मा ने जो काम किया है वो वाकई में एक अच्छा काम हुआ है, कि युवाओं को जोड़ना और जिस तरीके से सिंधिया को अपने ग्रुप में लाना, ये बड़ी बात थी, बड़ी चुनौती थी, और आज उनने वह साबित भी कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने जो योजना चलाई है ये सही काम की है, इसलिए मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार आई है। हालांकि फैसला भाजपा के आला कमान को लेना है और संगठन को लेना है, जो तय करेंगे वही ठीक होगा। लेकिन ये वरदान एक्सप्रेस पर पत्रकारों से जनरल चर्चा थी, जिसमें हमें पता चला है कि आखिरकार उनके मन में क्या है, और उनसे जो नेताओं की बात होती है या जो जनता से बात होती है उसके नतीजे निकलकर सामने आते हैं। जो भी फैसला भाजपा ले वो ठीक होगा, वो आला कमान का खैर दायित्व है कि क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो अन्य लोगों तक शेयर कीजिए।